नमस्कार किसान भाइयों, मालवा खेती यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज फिर से हम आपको अफीम की खेती के बारे में एक जानकारी शेयर कर रहे हैं, अपना अनुभव कि अफीम की खेती में जो तना सड़न रोग आता है वो क्यों आता है और उसके उपचार क्या है, यही आज हम इस वीडियो में जानेंगे। तो चलिए, किसान भाइयों, आप जब भी देखते होंगे अपनी अफीम की फसल में जब तना बनने लगता है, वो तना बनने के बाद जब पौधे की ग्रोथ होने लगती है तो अक्सर तना फट जाता है और उसके नीचे सड़न रोग लग जाता है और धीरे धीरे पूरा पौधा ख़त्म हो जाता है। जैसा इस वीडियो में आप देख पा रहे होंगे, ये पौधा बिल्कुल इतना बड़ा हो गया लेकिन उसके बाद भी ख़त्म हो गया, इसके सारे पत्ते मुरझा गए हैं क्योंकि इसमें तना सड़न रोग लग चुका है। पहले तो तना फट जाता है और उसके बाद उसमें सड़न प्रक्रिया प्रारंभ हो जाती है जो पौधे में बढ़ती 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 पौधे के शीर्ष तक पहुंच जाती है। मैं आज आपको बताता हूँ कि ये अंदर आपको सड़ा हुआ तना दिखेगा, यह आसानी से टूट गया है और आप देख पाएंगे इस वीडियो में कि ये देखिए, देखिए पूरी तरह से सड़ गया है इसका तना और ये शीर्ष तक पहुंच चुका है। तो ये क्यों होता है, आज ये हम जानने वाले हैं। इसको उखाड़ कर देखते हैं क्योंकि ये पौधा तो ख़त्म हो ही चुका है। तो अब मैं आपको बताऊंगा कि ये रोग कहाँ से प्रारंभ हुआ। बने रहिए वीडियो के साथ और पूरी जानकारी लेके ही आपको बताऊंगा मैं कि कहाँ से ये सड़ा हुआ है और कहाँ से नहीं। देख पा रहे होंगे यहाँ तक तो सड़ चुका है, अब आगे देखना है इसका। आप देख पा रहे होंगे पूरी तरह से सड़ चुका है इतना। तो ये प्रारंभ कहाँ से हुआ था ये देखना है हमको। तो आप देखेंगे देखिए, ये यहाँ से जड़ के पास है, शायद किसी कीट ने काटा होगा और जब अंदर पानी घुस गया तो यहाँ से भी तना सड़न रोग बढ़ गया, यहाँ से तना फट गया होगा, अंदर पानी घुस गया और पूरा पौधा ग्रस्त हो गया। तो कैसे हम इस प्रक्रिया को रोकें, देख पा रहे होंगे आप बिल्कुल पूरी तरह से सड़ चुका है। बहुत बुरी तरह से बदबू भी आ रही है इसमें से। जड़ तो पूरी ठीक है,
ला ला ला।